हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रो विद प्रशांत में। और आज हम बात करेंगे, हमें एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नेशनल लेवल का खोलना है और हमको अपनी ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में देनी है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आता रहता है, तो उसका मैं आपको आंसर दे रहा हूँ इस वीडियो में। तो देखिए, अगर आपको नेशनल लेवल का रजिस्ट्रेशन कराना है, ठीक, आप ऑल ओवर पैन इंडिया में आपको अपनी ब्रांचेस देनी है, तो आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा एनसीटी ट्रस्ट, या तो दिल्ली से जो रजिस्टर्ड होता है उसको कराना होगा, ठीक है, या फिर आपको कराना होगा पीवीटी लिमिटेड कंपनी, ठीक है, टू डायरेक्टर की, उसको कराना होगा, या फिर आपको कराना होगा सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, इन तीनों में से आपको कोई एक चीज़ करानी है। इसके बाद आप पूरे पैन इंडिया में काम कर सकते हो, अपने ब्रांचेस दे सकते हो, और एक आपको फुल मैनेजमेंट वेबसाइट बनवानी है जिसमें सारी चीज़ें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आईडी कार्ड सब कुछ, क्यूआर कोड वगैरह और फ्रेंचाइजी पैनल सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये रहता है, ये आपको कराना है, एक आप ISO सर्टिफाइड करा लेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें आप करा लेंगे तो आपका नेशनल लेवल का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और फिर आप धीमे धीमे और भी रजिस्ट्रेशन बाद में करा सकते हैं, मगर स्टार्टिंग में इतना आपको कराना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको या तो दिल्ली का NCT ट्रस्ट बनवाइए, अगर वो नहीं है उसके डॉक्यूमेंट आपके पास, ठीक है, तो कोई पुराने वीडियो आप देख सकते हो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और अब नहीं तो फिर आप कंपनी रजिस्टर्ड करा सकते हो, क्योंकि दिल्ली में दिल्ली का ही एड्रेस चाहिए होगा, तो वो हर एक के पास नहीं होता, तो इसलिए फिर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन कराओ, तो उसके लिए क्या है, नेशनल लेवल का आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो फिर अपनी ब्रांचेस आप दे सकते हो। तो अगर आपको कुछ रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है और आपको कराना है, तो आप जो फ्लैश हो रही है साइट वहाँ कॉन्टेक्ट करिए, और हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे रजिस्ट्रेशन कराने में। ठीक है, वेबसाइट की भी कोई प्रॉब्लम है, सारी चीज़ें आपकी सॉल्व करेंगे। चलिए, वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, आगे कुछ और टॉपिक पर बात करते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।